अहम जी आप चलिए, मैं माँ जी को कमरे तक छोड़ के आती हूँ। चलिए माँ जी। चिकना, ये सब तुम क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ जीजा जी, अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती। कोको सिर्फ रूड ही नहीं, महाजिद्दी और सिर्फ अपना हुक्म चलाने वाली है। उसके लिए तो बस जो उसने कह दिया वही सच, बाकी सब गलत। जीजा जी, मैं तो ये देख के हैरान हो गई कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। प्यार व्यार तो दूर की चीज है, उसकी आंखों में मुझे आपके लिए वो रिस्पेक्ट तक नजर नहीं आती। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। चिकी, देख, ये सब बातें दिल पर नहीं लेते, और तुझे पता है ना कोकी दिल से बहुत साफ है। चल ये सब छोड़ दो। प्लीज जीजा जी, आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं तो कीजिए, मैं नहीं कर सकती। सॉरी। अरे कोकी तुम्हारी बहन है, और तुमसे ज्यादा उसे कौन समझ सकता है। प्लीज जीजा जी, कोको के बिहेवियर पे इस तरह पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। उसने कभी ये सोचा कि हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग नेचर होता है? नहीं, वो तो बस एक ही लकड़ी से सबको हाँकती है ना? तो फिर हम उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़े? चिकना, अरे मैं तेरी बात से इनकार नहीं करता, पर आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। अगर उसकी जगह तू, मैं या कोई भी होता तो यही सोचता और यही सब बोलता। क्या बात कर रहे हैं आप जीजा जी? डोंट टॉक रबिश। आप ऐसे कर सकते? हाँ, मैं शायद ऐसा कर सकती थी, लेकिन आप नहीं। जीजा जी, मेहरबानी करके कोको की तरफदारी करना बंद कीजिए। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? उसकी तरफदारी तो मुझे करनी ही चाहिए। एक बात बोलूं जिकी, तुम भी अपनी कोको बहन से कुछ कम नहीं हो। उसी सिक्के का दूसरा पहलू। What? तो जितना तुम उसके गुस्से की बात कर रही हो और अपना देखो, कमरे में आई सामान पैक करना शुरू किया कि मैं जा रही हूँ। ये सब क्या है जिगी? तू और मैं अच्छी तरह से जानते हैं ये उसका गुस्सा नहीं है। भले ही वो जुबान से साफ साफ कुछ भी बोल देती है, लेकिन दिल में कुछ नहीं रखती। सच कहूं जी की, अपनी सच्चाई और सिद्धांतों पे चलते हुए कोकी स्वभाव से काफी मजबूत बन चुकी है। जी की, तुम्हें उसे थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? चलो अब एक काम करो, अपना बैग वापस अलमारी में रखो, और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम अपनी कोको बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचोगी। हेतल बहू, जिग्ना को अपने मोटी बहन के आगे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था ना, पर मने लगे छे कि जिग्ना ने कुछ बातें सही बोली। हेतल बहू, कोकिला बहू एक आदर्श बहू है, इसके साथ साथ एक अच्छी और मजबूत माँ भी। એટલું પણ नहीं, एक बहुत अच्छी सास भी। पर इस सब के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि उसके और पराग के बीच का तालमेल शू? हाँ मम्मी, हाँ, वो वैसे भी आजकल आपकी कलाकारी के बगैर ही हमारे घर में रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अरे वाह, तो कुछ भी बोल, पर तेरे लगन के बाद से अब पहली टाइम इतनी बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिली है। अरे वाह, आज फॉरेन कबूतरी तो एकदम कमाली निकली। इतना कुछ सुना दिया अपनी मोटी बहन को, मजा आ भी गई। से ये काकड़ी एकदम सूपन खा की तरह पागल हो रही होगी, है ना? हाँ मम्मी, वो तो है। बेचारे काका जी, वैसे सच कहूं तो आज मुझे काकड़ी भी बेचारी लग रही थी। हाँ? मुझे आज काकड़ी के लिए सच में बहुत दुख हुआ। हैं? वो क्या है, हमें आदत नहीं है ना सुनने की कि कोई उन्हें कुछ बोले। अरे वाह, तू क्यों दुखी हो जा रही है? हाँ, वैसे भी पोता ना कर्मों नी सजा इधर ही भुगतनी पड़ती है। अरे गधेड़ी, तू भूल गई उसने तुझे कितना परेशान किया था? हाँ मम्मी, देखिए वो सब अपनी जगह है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जो राशि हूँ तने कही दऊ छू, अगर तूने पाली बदली तो मैं तेरी मम्मी नहीं। हाँ क्या मम्मी आप भी? अरे वाह, उस कागड़ी के लिए तेरा कलेजा फटा जा रहा है। अरे जाई ने अपनी मगज की जांच करा कि तेरे मगज में उस कागड़ी के लिए सहानुभूति का कीड़ा किधर से आया। अरे कदेड़ी, तुझे तो जश्न मनाना चाहिए। एक काम कर, तू जल्दी से इधर आ जा, हम दोनों मिलके खूब नाचेंगे। हाँ। ओफो मम्मी, अब छोड़ भी दो। हाँ शू शू बोली तू? अरे तू गेली थे के शू? चल ये सब छोड़ और सुन, ये जो तू अपनी सास और दूसरों की तरफ से सहानुभूति बटोरने की रासलीला कर रही है ना, उसे चालू रखना, उसे बंद मत करना। घर में चले जो कुछ भी, उसे तो चालू ही रखना, समझी गई? फोन मम्मी, अच्छा ठीक है, अब मैं भी फोन रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय। अरे माँ जी, गोपी बहू, आज जो कुछ भी हुआ वो ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं हुआ, और पहली बार नहीं है कि मैंने अहम के पापा को गैर जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इससे पहले जब भी ऐसा हुआ मेरे पास ठोस कारण था, लेकिन आज तो मैं खुद ही अपनी शादी की सालगिरह भूल गई। मैंने अहम के पापा को गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, वो भी उनकी बात सुने बगैर। मैंने सही नहीं किया। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच है, 100% सच। गुस्से में आकर उनकी बात सुने बगैर ही मैं उन पर बरस पड़ी। इतना भी धैर्य नहीं दिखाया कि वो क्या कहना चाहते हैं वो तो सुन लूं। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो भी आज के दिन, शादी की सालगिरह के दिन, जिस दिन मैं इस घर में शादी करके आई और इस घर की बहू बनी। माँ जी, नहीं माँ जी, तरह से सोचकर खुद को और तकलीफ मत दीजिए। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं आप। और आप देखिएगा, कान्हा जी सब ठीक कर देंगे बहुत जल्द ही। कृष्ण भगवान करे और ऐसा ही हो। साथ